पंजाब की खबर, चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब में पीसीएस अफसरों के 59 नए पदों को हरी झंडी दी गई है। पिछले दिनों पंजाब में नए जिलों और कुछ नए उपमंडलों के अस्तित्व में आने के बाद इन पदों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पंजाब में पहले पंच सरपंच का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जा सकता था, लेकिन अब कैबिनेट ने पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने के नियम को खत्म कर दिया है। इसी के साथ पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है। ये मोटे फैसले हैं इस कैबिनेट की बैठक के, जिसके बारे में हरपाल चीमा ने जानकारी दी है। सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें जो मोटे मोटे फैसले लिए गए हैं, उसमें ये है कि पंचायती चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इस पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया है। पीसीएस की पोस्ट बढ़ाकर 59 जो नई पोस्टें हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दीपक शर्मा, ज़्यादा जानकारी के साथ MH1 न्यूज़ के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जो कैबिनेट में फैसले लिए गए उसमें जो सबसे मुख्य फैसले की चर्चा हो रही है वो यही है कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया, क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो पंचायती एक्ट 1994 है उसके जो रूल 12 है उसमें संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत अब जो पंचायती चुनाव है, जो पंच और सरपंच के चुनाव होते थे, इससे पहले पार्टियों के सिंबल्स पर चुनाव होते थे, लेकिन अब पार्टी सिंबल पर जो है इस रूल में संशोधन के तहत जो है पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ पाएंगे। एक अहम फैसला जो है पंजाब मंत्रिमंडल ने किया है। इसके अलावा और भी कई अहम फैसले जो है पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो पीसीएस की बड़ी कमी जो है वो महसूस की जा रही थी, पीसीएस अधिकारियों की, क्योंकि कई नए जिले और उपमंडल जो है अस्तित्व में आए हैं उसके बाद से कमी महसूस की जा रही थी। क्योंकि पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो 310 जो है पीसीएस अधिकारियों के पद हैं, अब उन्हें बढ़ाया गया है। 59 नए पदों को जो है वो मंजूरी दी गई है। 369 जो है पीसीएस जो है वो पंजाब में होंगे। इसके अलावा मलेरकोटला का जो सेशन डिवीजन है उसमें 36 नई असामियों की सृजन को मंजूरी जो है वो दी गई है। ये तमाम फैसले जो है वो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। गिर दरिया को लेकर अहम फैसला दिया गया है। चांदू गांव है वहां पे वाटर रिचार्जिंग को लेकर जो है वो फैसला लिया गया है। ये अगर आप जैसे आपने बात की पंचायती राज की 1994 के रूल 12 की, तो अब जिस तरह से पार्टियां जो है सिंपल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, इसको लेकर जो है अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, हालांकि सामने आई है और मिली जुली प्रतिक्रिया जो है अलग अलग पार्टियों की सामने आ रही है। जी इससे पहले आपने देखा होगा जब पंचायती चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्टियां जो है वो ग्रामीण स्तर पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं और कई लड़ाई झगड़े जो है इसकी वजह से होते थे पार्टियों की वजह से, और कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा बना रहे, जिस तरह से हरपाल चीमा वित्त मंत्री ने बताया कि आपसी भाईचारा बना रहे और गांव में लड़ाई झगड़े जो है इससे पहले होते थे और वो ना हो, इसके चलते रूल 12 में जो है वो संशोधन किया गया है। 1994 पंचायती एक्ट राज एक्ट है उसका रूल 12 है, उसमें बदलाव जो है वो किया गया, उसमें संशोधन किया गया है। और ये एक्ट जो है क्योंकि विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है 2 तारीख को, और उसमें जो है इसको बिल के रूप में तब्दील किया जाएगा। जी शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये लबोलुआब है पंजाब कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसमें पंचायती राज अधिनियम को लेकर जो बदलाव को मंजूरी दी गई है उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस तो बिना पंजाब पंचायती चोणा रूल्स, पंजाब पंचायती चोणा रूल्स 1994 के रूल जिहड़ा 12 विच सोध की गई है, रूल 12 सोध की गई है। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का विजन सीगा
उन्हां दा ए जिहड़ा दस्सिया उन्होंने कि पंजाब दे अंदर आपसी भाईचारा आपसी लोगों के अंदर पिंडां दे अंदर कुछ पोलिटिकल जिहदियां लोगों दी आपदी आपदियां एसोसीएशनां हुंदियां नेगियां जां लोग जुड़े हुंदे नेगे पोलिटिकल पार्टियां दे नाल उन्हां दे करके पहलां पंजाब दियां पंचायती चोणां सरपंच दी ते पंच दी सरपंच ते पंच दी पंचायती चोण सी जिहड़ी वो पोलीटल पार्टी के सिंबल से लड़ी जा सकती सी पोलीटल पार्टी के सिंबल से लड़ी जा सकती सी पर लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने फैसला किया कि इस बार पंचायती चोणा जड़िया ने बिना पोलीटल पार्टी के सिंबल तो लड़िया जाएगियाँ पोस्टा खाली पगिया जा जोड़े नवे सब डिवीजन होंद में आए थे नवे डिस्ट्रिक्ट जिम्मे मलेरकोटले की गल कर लिए होंद में आए थे उत्थे जिहड़ियां पोस्टा खाली पईयां सी उन्हां नूं भरन दे विच सानूं जिहड़ी आ मुश्किल सी सरकार दी खत्म हो चुकी आ। इस तों बिना पंजाब राज दा नवां डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला जुडिशियल दे अंदर पंजाब दी जुडिशियल दे अंदर नवां जिहड़ा मलेरकोटला डिवीजन की स्थापना हुई सीगी सो उहदी अज सैशन डिवीजन की स्थापना जिहड़ी पहलां कीती गई सीगी सो उहदियां पोस्टा 36 पोस्टा की जी प्रवानगी वह भी अज के मंत्रीमंडल वालों दी गई है ताकि उत्थे सैशन डिवीजन का काम बतौर सैशन जज डिवीजन का काम जरा स्टार्ट हो जाए। इस तो बिना 450 असामिया पंजाब दियाँ जिहड़ियां मैं कह हाउस सर्जन ज हाउस फजिशियन भी असी भर्ती करन दा फैसला किया गया टोटल 435 नेगे ये भी जिहड़ा इस साल भर्ती होणगे ताकि जिहड़ा हॉस्पिटल अंदर कितना कितने घाट आउंदी आ वो पूरी हो सके।